मौजूदा गवर्नमेंट की जानिब से मेट्रो बस के टिकट्स में इजाफे पर मेट्रो में सफर करने वाले अफराद क्या रद्द अमल रखते हैं, ये उनसे बात करते हैं। आइए हमारे साथ। मेट्रो के टिकट पे पहले 20 रुपए था और इन्होंने कहा कि यही चलता रहेगा, लेकिन इन्होंने 10 रुपए और बढ़ा दिया, 30 कर दिया है। इनको नहीं, ये नहीं करना चाहिए कि इनको मेट्रो का टिकट नहीं बढ़ाना चाहिए। 10 रुपए टिकट बढ़ने के अलावा भी काफ़ी महंगाई हो, अगर जो डेली के आने जाने वाले लोग हैं पिंडी इस्लामाबाद से, तो वो गवर्नमेंट एम्प्लाईज़ हैं, उनके लिए ये काफ़ी सहारा था कि हम इजीली अपने स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। तो ये किराए भी इसने बढ़ा दिया, इसके बावजूद किराए के बावजूद भी हर चीज़ महंगी हो गई। इस पर यही कहना है, वैसे 20 रुपए सही था, हर बंदा अफोर्ड कर सकता था, मुश्किल है, अफोर्ड तो करेंगे मगर बहुत मुश्किल होगी इनके लिए। 30 ज़्यादा लगा दिए ना किराया। अब एक मसलन बंदे ने शमसाबाद से लाई तो जाना है, तो वो फिर मेट्रो पर बैठी गई नहीं, जैसे भी वैगन पे बैठे या पैदल चला जाए, तो इस तरह नुकसान ही होगा ना। अफोर्डेबल है, अगर हम वैसे भी टैक्सी वगैरह पे भी जाएं उस पर भी हम 150 रुपया 100 रुपीज़ देते हैं, लेकिन ये 30 रुपया इतना मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं है। साबका गवर्नमेंट की जानिब से मेट्रो बस का 20 रुपये का टिकट एक गरीब आवाम के लिए रिलीफ से कम नहीं था, ताहम मौजूदा हुकूमत ने 10 रुपये का इजाफा करके लोगों से ये रिलीफ भी छीन लिया है। अब आवाम परेशान है कि वो जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि तब्दीली के नारे तमाम के तमाम झूठे थे। कैमरामैन उमर शहजाद के साथ सूफी यूसुफ़ज़ई, DBTV इस्लामाबाद।